अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त क्रिया तो ऑब्वियस से होंगे। इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान की टीम में चार बड़ी तब्दीलियां हो चुकी हैं। दोस्तों आपको ये भी बताता चलूं कि बाबर आजम कप्तानी से पारिक टेस्ट सीरीज के लिए अब नया कप्तान कौन होगा फैसला हो गया है। दोस्तों आपको इस वीडियो में मुकम्मल तफसील के साथ बताएंगे कि पाकिस्तान की टीम में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कौन सी चार बड़ी तब्दीलियां की जा चुकी है और बाबर आजम की जगह पे अब नया कप्तान कौन होगा। दोस्तों बाबर आजम जो के हैं वो T20 के कप्तान रहेंगे, टेस्ट के अब नए कप्तान होंगे। जी हां दोस्तों, मुंतखब किए गए हैं और शर्जील खान और मोहम्मद आमिर की भी टेस्ट इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज होने जा रही है इसमें वापसी हो चुकी है। दोस्तों मुकम्मल तफसील जानेंगे इसी छोटी सी वीडियो में। सबसे पहले आप दोस्तों ने छोटी सी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान की टीम में बड़ी तब्दीली ये की जा चुकी है कि शाहीन अफरीदी की जगह पे मोहम्मद आमिर को खिलाया जा रहा है और शर्जील खान की भी वापसी हो चुकी है। बाबर आजम भी खेलेंगे लेकिन प्लेयर बन कर जबकि कप्तान शादाब खान रहेंगे।